नमस्कार दोस्तों, तो 21 अगस्त इंडिया पे मोटोरोला की तरफ से बिल्कुल नया जी सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसका पोस्टर आ चुका है। फोन का नाम है मोटोरोला G45 5G। तो इसलिए इस वीडियो पे हम लॉन्च से पहले लास्ट बार के लिए देख लेंगे कि फोन के अंदर क्या कलर, क्या स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस होगा और जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटल चैनल पर नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस बार का जो मोटोरोला G45 5G, मोटोरोला के इस प्राइस पॉइंट में बाकी जो भी फोन है एग्जैक्टली उसके जैसा ही डिजाइन है। और पीछे आपको मिलेगा लेदर कवर, साइड में आपको मिलेगा प्लास्टिक का फ्रेम। फोन आपको टोटल 3 कलर पे मिलेगा, ब्लू, ग्रीन और रेड। इसका थिकनेस है 8 मिलीमीटर और वेट 181 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इससे मिलेगा 6.5 इंच HD+ 120Hz IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टास्क समिंग रेट, 500 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। और डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन, इसमें आपको मिलेगा गोरिल्ला ग्लास का डिस्प्ले प्रोटेक्शन। मतलब हम कह सकते कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले वो ठीक ठाक है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 5G प्रोसेसर। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, जिसके साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो फ़ोन आपको टोटल 2 वेरिएंट में मिलेगा, 4 128GB और 8 128GB। रैम का क्वालिटी है LPDDR4X। मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 2.2, जिसके साथ हाइब्रिड कास्टॉट का ऑप्शन। बैटरी में आपको मिलेगा 5000mAh बैटरी, साथ में 20W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो अगर मैं इसके कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इससे मिलेगा एंड्रॉयड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 3.5mm जैक, डुअल स्पीकर जिसके साथ है डॉल्बी एटमोस का सर्टिफिकेशन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और IP54 का वाटर डस्ट प्रोटेक्शन। और अगर मैं इसके OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, 1 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट में देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज़ किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होने वाला, तो देखिए इसका स्पेसिफिकेशन देखिए आपको समझ में आ गया होगा। रिसेंटली इंडिया में जो मोटोरोला G34 लॉन्च हुआ था उसे ही थोड़ा सा रिब्रांड करके फिर से लॉन्च किया जा रहा है। मतलब उसके अंदर हमें मिला था स्नैपड्रैगन 695, इसके अंदर हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। अभी जिन लोगों को मालूम नहीं तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, स्नैपड्रैगन 695 का एक रिब्रांडेड वर्जन है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। मतलब ये दोनों प्रोसेसर एग्जैक्टली सेम, जस्ट नाम थोड़ा सा चेंज है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसका जो प्राइस वो भी होगा ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि जो मोटोरोला G34 उसका स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस था 11,000। तो कहा जा रहा है कि ये जो G45 इसका भी स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस होगा एग्जैक्टली 12,000 रुपए विदाउट कोई कार्ड ऑफर। मतलब मोस्ट प्रोबेबली कार्ड ऑफर मिला कब को मिल जाएगा एग्जैक्टली 11,000 पे। तो अभी हार्डवेयर से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट में सबसे बेस्ट ऑलराउंड चॉइस है या फिर इससे बेटर दूसरों की चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए अगर हम अभी इस प्राइस पॉइंट मतलब इस 11-12 हज़ार पे देखेंगे तो रियलमी की तरफ से काफ़ी बढ़िया ऑलराउंड स्मार्टफोन अवेलेबल है, जिसका नाम है Narzo 75G। तो अगर हम उस Narzo के साथ कंपेयर करते, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में Narzo होगा बेटर, क्योंकि Narzo पे आपको मिलेगा फुल HD+ डिस्प्ले, मोटो पे आपको मिलेगा HD+ डिस्प्ले। प्रोसेसर इस मामले में मोटो बेटर, क्योंकि मोटो के अंदर का जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 वो नो डाउट Narzo के अंदर का जो डायमेंसिटी का प्रोसेसर उसके मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए प्रोसेसर के मामले में मोटो बेटर। कैमरा इधर भी मोटो बेटर, क्योंकि मोटो पे आपको मिलेगा 16 का सेल्फी, Narzo पे आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके अलावा वेरियंट काजारी की मोटो लगा जो 8 128GB वो आपको मिलेगा 12,000 पे, लेकिन उसी जगह पे Narzo का आपको लोअर वेरियंट सेम प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है। तो इसलिए वेरियंट के मामले में मोटो होगा बेटर। बैटरी और चार्जर इधर Narzo बेटर, क्योंकि Narzo पे आपको मिलेगा 45W का चार्जर, मोटो पे आपको मिलेगा 20W का चार्जर। स्पीकर दोनों पे सेम, OS अपडेट दोनों पे एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का अगर मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मतलब जब मोटोरोला G34 लॉन्च हुआ था मैंने जो चीज़ कहा था कि उस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ है उसका डिस्प्ले, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा HD+ डिस्प्ले। तो जो मोटोरोला G45 लॉन्च होने वाला है इसका भी सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ होने वाला है इसका डिस्प्ले, क्योंकि इसमें भी आपको मिलेगा वही सेम HD+ डिस्प्ले। अगर फुल HD+ होता तो मैं 12,000 पे बोलता कि नो डाउट सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन है, लेकिन विदाउट फुल HD+ डिस्प्ले वो भी 12,000 पे मेरे ख्याल से उतना भी ज्यादा सही फोन नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को सबसे पावरफुल प्रोसेसर चाहिए 12,000 पे तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं। तो अभी आप मुझे कम से कम बताने कि ये जो Motorola G45 जो लॉन्च होने वाला है तो क्या आप इस प्राइस पॉइंट में इसे लेना चाहेंगे या फिर जो Narzo 70X 5G या फिर 12,500 के आसपास आपको जो मिलेगा IQ Z9X 5G, आप इस लेवल का कोई फोन लेना चाहेंगे? इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।